हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। मैं डीके यादव अपने YouTube चैनल बेसिक कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो अकाउंटेंसी में जनरल एंट्री चैप्टर का वीडियो नंबर 15 है। इससे पहले हमने जनरल एंट्री से रिलेटेड ऑलरेडी 14 वीडियो जनरल एंट्री वाले प्लेलिस्ट में अपलोड कर रखा है। अगर आपने अभी तक उन 14 वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर उन 14 वीडियो को देख लें, ताकि जनरल एंट्री से रिलेटेड जो भी चीजें पढ़ाई हो रही हैं, जो भी चीजें आज की इस वीडियो में बताई जाएगी, उसे आप स्टार्टिंग से और बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो अकाउंटेंसी में जनरल एंट्री चैप्टर का वीडियो नंबर 15 है, जिसमें हम लोग जनरल एंट्री से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल ट्रांजैक्शंस को यानी कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन को देखेंगे और उसका जनरल एंट्री यानी सॉल्यूशन को बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पास जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस 2015 अप्रैल 5 से लेकर अप्रैल 18 तक में कुछ ट्रांजैक्शंस यहां दिया गया है, जिसका जनरल एंट्री हम लोग यहां बनाएंगे, यानी इस क्वेश्चन का सलूशन हम लोग यहां बनाएंगे। एक जनरल एंट्री का फॉर्मेट है, डेट पार्टिकुलर्स एलएफ यानी लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट, ऊपर में लिखना है जनरल एंट्रीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस डेट में, यानी 2015 अप्रैल में क्या है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ डेट लिखेंगे, यानी 2015 अप्रैल 5। ठीक है, देखते हैं क्या है। परचेस्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000 एंड स्पेंट ₹200 फॉर देयर कैरिज, यानी गुड्स को खरीद रहे हैं कैश में 10,000 का। ठीक है, तो जब गुड्स को खरीदते हैं तो आने वाला एसेट्स गुड्स होता है, और गुड्स के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, परचेजेज। जब गुड्स को खरीदते हैं तो परचेजेज लिखा जाता है, और जब बेचते हैं तो सेल्स लिखा जाता है। ठीक है, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने का है, 10,000 का। अमाउंट का कॉलम में लिखेंगे 10,000। ठीक है, स्पेंड किया जा रहा है ₹200 कैरिज के लिए। गुड्स एक ऐसा एसेट है जिसमें हम लोग अगर कोई एक्स्ट्रा खर्च करते हैं, जैसे कैरिज है या कुछ भी, ठीक है, तो उसे अलग से दिखाना पड़ता है। लेकिन गुड्स के अलावा अगर कोई दूसरा एसेट रहेगा तो उसमें जो है एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस को अलग से नहीं दिखा करके बल्कि टोटल अमाउंट में ही ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहां कैरिज को अलग से दिखाना पड़ेगा, यानी कैरिज अकाउंट डेबिट। ठीक है, कैरिज अकाउंट डेबिट कितने का है, 200 का। और जाने वाला एसेट क्या है, कैश। ठीक है, हम लोग जो गुड्स खरीदे हैं कैश पेड किए हैं, कैश में किए हैं, कैश में खरीदे हैं, तो टू कैश अकाउंट। दोनों अमाउंट को टोटल करके दिखाएंगे, यानी 10,200। ठीक है, इसका नरेशन लिखेंगे, बिग परचेज्ड गुड्स फॉर कैश एंड कैरिज पेड। ठीक है, फिर हम लोग यहां से इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक, अगला डेट देखते हैं, अप्रैल 8 में क्या है। पहले हम लोग यहां लिखेंगे अप्रैल 8,
परचेज मशीनरी फॉर कैश रुपीज 50,000 एंड स्पेंट रुपीज 500 फॉर इट्स कैरिज। यानी मशीनरी खरीदा गया है 50,000 का और उसमें जो है हम लोग कैरिज यानी लाने का भाड़ा, यानी मशीनरी को हम लोग खरीदे 50,000 में और उसे लाने में जो है 500 खर्च किया गया। यहां भी जो है 200 खर्च किया गया था कैरिज एंड लाने का भाड़ा में, ठीक है। तो गुड्स में हम लोग क्या करते हैं, कैरिज को अलग से दिखाते हैं, लेकिन गुड्स के अलावा अदर किसी भी एसेट में हम लोग कैरिज हो या एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस कुछ भी हो उसे हम लोग एक साथ ऐड करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ मशीनरी है, आने वाला एसेट क्या है, मशीनरी। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, जाने वाला एसेट क्या है, कैश। कैश बोला है तो कैश जाएगा टू कैश अकाउंट। दोनों अमाउंट को ऐड करके यहां पर लिखेंगे, यानी 50,000 प्लस 500, यानी 50,500, फिर इधर 50,500, ठीक है। यहां गुड्स था इसीलिए गुड्स में हम लोग कैरिज को अलग से दिखाएंगे। गुड्स के अलावा अगर कोई एसेट रहेगा जिसमें एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस कर रहे हैं तो एक साथ इस तरह से ऐड करके दिखाना होगा, ठीक है। अब इसका नरेशन लिखते हैं, बींग परचेज मशीनरी एंड कैरिज पेड, परचेज मशीनरी एंड कैरिज पेड, ठीक है। फिर हम लोग यहां से इसको क्लोज कर देंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन क्या है। अप्रैल 10 में सबसे पहले हम लोग यहां लिखेंगे अप्रैल 10, अप्रैल 10 पेड रुपीज 20,000 फॉर सीमेंट, रुपीज 10,000 फॉर टिम्बर एंड रुपीज 5,000 एज वेजेस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। यानी बिल्डिंग को बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग को बनाने के लिए 20,000 का सीमेंट में हम ऐड किए हैं सीमेंट को खरीदने के लिए, और 10,000 का टिम्बर यानी लकड़ी, लकड़ी को खरीदने के लिए, ठीक है। और वेजेस मतलब मजदूरी दिए हैं 5,000। तो तीनों अमाउंट मिलकर के कहा जा रहा है, तीनों अमाउंट मिलकर के एक एसेट बन रहा है क्या, बिल्डिंग। यानी आने वाला एसेट क्या है, बिल्डिंग। तो क्या लिखेंगे, तीनों को ऐड करके बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट हो जाएगा, 20 प्लस 10 30,000 प्लस 5,000 यानी 35,000, ठीक है। और टू में क्या होगा, टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश में हम लोग पेड कर रहे हैं, ठीक है, कैश में पेड कर रहे हैं। यहां पेड बोला है, कैश नहीं बोला है, लेकिन हम लोग कैश समझेंगे, जब कुछ नहीं बोलता है तो कैश समझते हैं, ठीक है। 35,000 नरेशन इसका लिख देंगे, बिंग कैश पेड, कैश पेड फॉर सीमेंट कॉमा टिम्बर एंड वेजेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। अब फिर से इसको हम लोग यहां से क्लोज कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, यानी अप्रैल 15 में, अप्रैल 15 पहले डेट को यहां लिखेंगे क्या है, अप्रैल 15 में क्या है, परचेज्ड एंड ओल्ड मशीनरी फॉर रुपीज 20,000 एंड स्पेंड रुपीज 2,500 ऑन इट्स इमीडिएट रिपेयर्स। यानी पुराना मशीन को हम लोग खरीद रहे हैं,
और उसका रिपेयर करवाने के लिए इमेडिएट मतलब तुरंत हम लोग खर्च कर रहे हैं 2500। अगर किसी एसेट को खरीदते हैं गुड्स के अलावा, गुड्स को छोड़ करके, ठीक है, गुड्स को छोड़ करके अगर किसी ऐसे एसेट को खरीद रहे हैं जिसमें हमें एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ रहा है, तो एक्स्ट्रा खर्च को देखना पड़ेगा कि उसी डेट में खर्च किया गया है या अलग डेट में। अगर उसी डेट में खर्च करेंगे तो उसी में ऐड करेंगे टोटल अमाउंट बनाने के लिए, ठीक है, और अगर अलग डेट में खर्च करेंगे तो अलग से डेट बाय डेट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर यह डेट मतलब तुरंत खर्च हो रहा है, मतलब उसी डेट में। तो परचेज मशीनरी कर रहे हैं, आने वाला एसेट क्या है, मशीनरी है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दोनों को ऐड कर देंगे 20,000 प्लस 2,500 यानी हो जाएगा 22,500, ठीक है, 22,500। नरेशन इसका लिख देंगे बिंग परचेज्ड मशीनरी एंड पेड फॉर रिपेयर्स इन कैश, ठीक है। अब फिर से हम लोग यहां से इसको क्लोज कर देंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स क्या है, यानी अप्रैल 18, पहले हम लोग यहां लिखेंगे अप्रैल 18 क्या है, पेड रुपीज 500 फॉर रिपेयरिंग सम अदर मशीनरी, यानी अलग अदर मशीनरी, अलग मशीनरी को हम लोग रिपेयर्स करवाने के लिए पेड किए हैं 500, तो रिपेयर्स करवाना हमारे लिए एक तरह का एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को हम लोग डेबिट करते हैं, तो रिपेयर्स को हम लोग डेबिट करेंगे, यानी रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जाने वाला एसेट क्या है कैश, तो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500, ठीक है। नरेशन इसका लिख देते हैं बिंग पेड कैश फॉर रिपेयर्स ऑफ मशीनरी, ठीक है, फिर हम लोग इसको यहां से क्लोज कर देंगे, ठीक है, और क्या करते हैं लास्ट में हम लोग टोटल करते हैं, इसको पूरा यहां से क्लोज कर देंगे, यहां लिखेंगे टोटल, रुपीस का साइन लगाएंगे, ठीक है, और इसका टोटल करते हैं कितना होता है 0,0257,75,12 or 5,17 का 7 बच गया 1,1516 or 2,8, ठीक है, 1,56 or 3,9 or 2,11 यानी 1,18,700। इधर भी देखते हैं ऐड करके आ जाना चाहिए 0,0257 or 5,12 or 5,17 का 7 बच गया 1,516 or 2,8, ठीक है, 1,56 or 3,9 or 2,11 यानी 1,18,700 दोनों साइड इक्वल आ जा रहा है, मतलब हम क्या समझेंगे अभी तक सही बना है, यानी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां बन चुका है, और जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे समझ गए होंगे, ठीक है, और अगर अभी भी आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन चल रहा है इस सॉल्यूशन को लेकर के, इन सभी ट्रांजेक्शन को लेकर के, तो आपके लिए हमारा कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपका जो भी कमेंट होगा उसका रिप्लाई मैं दे पाऊं।
ठीक है दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जनरल एंट्री से रिलेटेड कुछ नए नए अलग अलग ट्रांजैक्शंस को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, जहां तक मुझे उम्मीद है कि आज का हमारा ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा ये YouTube चैनल बेसिक कॉमर्स अकेडमी आपके लिए यूजफुल है, आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस चैनल के माध्यम से कुछ सीख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करते रहें। ठीक है दोस्तों, और अगर आप हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए जाने वाले PDF फाइल नोट्स को लेना चाहते हैं और WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में चैनल इंट्रोडक्शन नाम की एक वीडियो है, जिसे आप जाकर देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगी कि कैसे हम PDF फाइल नोट्स को ले सकते हैं और कैसे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ये PDF फाइल नोट्स ऐसी है जिसे लेने के बाद न ही आपको कहीं ट्यूशन पढ़ने की जरूरत पड़ेगी और न ही आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि PDF फाइल नोट्स को लेने के बाद आप घर में सेल्फ स्टडी करेंगे, हमारे वीडियोस को देखेंगे और जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसे WhatsApp ग्रुप में शेयर करेंगे। हमारे द्वारा आपकी जो प्रॉब्लम्स होगी उस प्रॉब्लम्स का 100% सॉल्यूशन दिया जाएगा। यानी टोटल अगर बोले तो क्या बोल सकते हैं कि अगर आप बहुत ही सस्ता में एक बेस्ट प्रिपरेशन चाहते हैं, अपने एग्जाम का प्रिपरेशन बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, तो हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए जाने वाले PDF फाइल नोट्स को ले और WhatsApp ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।